विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। खबर है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले में अनिश्चितकालीन पावर डिग्री के खिलाफ यादव महासभा की ओर से खमरिया के विस्थापित बैठे हैं 21 दिनों से धरना प्रदर्शन पर। खमरिया परसदेई गांव के विस्थापित अपनी लंबी मांगों को लेकर पिछले 21 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। विस्थापितों की मांग है कि पावर डिग्री कंपनी ने सर्विस स्टेशन बनाने के लिए उनकी जमीनें अधिग्रहित कर ली है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। वहीं विस्थापन में बैठे लोगों का कहना है कि जिले के अन्य कंपनियों के विस्थापितों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा मिल रही है, लेकिन जिन लोगों की जमीनें पावर डिग्री कंपनी द्वारा ली गई है उनको किसी तरह की सुविधा कंपनी प्रबंधन द्वारा नहीं दी जा रही है। खमरिया में पावर डिग्री कंपनी गेट के सामने पिछले 21 दिनों से आंदोलनकारी विस्थापित जो बैठे हैं उनका कहना है कि विस्थापितों का जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं किया जाता तब तक हम सब आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। आंदोलनकारी का कहना है कि 21 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ना तो जिला प्रशासन के अधिकारी उनकी बातों को सुन रहा है और ना ही कंपनी प्रबंधन के लोग सामने आ रहे हैं। देखिए, हम लोगों का मांगे यहाँ के समस्त सम्मानित विस्थापितों का हक अधिकार है। जैसे सारी कंपनियाँ सिंगरौली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, विस्थापितों को रोजगार दिया है। हमारे खमरिया की कंपनी पावर ग्रिड 2011 में एग्रीमेंट और 2013 में मुआवजा देने के बाद कोई भी ऐसा सुविधा उपलब्ध विस्थापितों को नहीं कराई है। इसीलिए पावर ग्रिड के खिलाफ राष्ट्रीय यादव महासभा के द्वारा, राष्ट्रीय यादव महासभा के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का हम लोग निर्णय लिए और कर रहे हैं। आज 20वां दिन है और आगे भी हम लोगों की लड़ाई ये जारी रहेगी। अभी तो हम लोग नॉर्मल शांति तरीके से अपना ये प्रदर्शन चला रहे हैं। आगे आने वाले समय में पावर ग्रिड के चक्का जाम और काम बंद हड़ताल भी करने का बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पावर ग्रिड के प्रबंधक होंगे। और हमारे कुछ साथी हैं, वो भी अपना बात रख सकते हैं अपने नौजवानों के लिए। बताइए, आप बैठे हैं, आपकी क्या मांगे हैं? हम लोग देखिए 2012 से हम लोग का मौजा मिला था यहाँ, और कंपनी बोली थी कि स्कूल, पानी, शिक्षा, खेल मैदान, लाइट, बिजली सब चीज़ बोली थी, लेकिन यहाँ की कंपनी कुछ भी नहीं दी है। और क्या बोलते हैं, सब चीज़ बहुत पहले से, एक बार हम लोग अगले वर्ष 2023 में भी धरना प्रदर्शन में बैठे थे, जीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि आप लोग का मांगे पूरा होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोग गए कंपनी के अंदर तो बोले कि नहीं हो पाएगा मेरे से, मतलब कि ऊपर बात करना पड़ेगा, तो इसके वजह से हम लोग फिर धरने पर बैठे हैं। और पावर ग्रिड प्रबंधक से और जिला कलेक्टर महोदय जी से और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर श्री मोहन यादव जी से हाथ जोड़कर हम लोग सभी विस्थापित निवेदन करते हैं कि हमारे मांगों को पूरी की जाए, ताकि हमारे बाल बच्चे परिवार का जीवन अच्छे से बीत सके, क्योंकि हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पावर ग्रिड से भीख नहीं मांग रहे हैं। ये पावर ग्रिड हम लोगों को वो धोखा दे रही है 2011-12 से लेकर के, जो कि आज तक हमारे गांव के तमाम युवा नौजवान परेशानी को झेल रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। पावर ग्रिड अपने गेट को नहीं डाकने देती हमारे नौजवानों को। यहीं पे देखिए, रिलायंस टाउनशिप मेरे जस्ट गांव के बगल में है, उन्होंने पूरा व्यवस्था, पूरा सब चीज़ दी है, लेकिन यहाँ तक कि पावर ग्रिड का जीएम यहाँ तक अपने रोड में लाइट नहीं दिया है, अपने रोड में ही लाइट नहीं दिया है, स्ट्रीट लाइट यहाँ भी नहीं दिया है। वहाँ पोल 4-5 लगा भी है तो वहाँ पोल बस नाम के लिए लगा है। हम लोग बोलते भी हैं कि सर रोड में हम लोग बैठते हैं, उठते हैं, खेलते हैं, तो एक खेल मैदान तो कम से कम दे दीजिए, तो बोलते हैं कि यहाँ का विकास नहीं करेंगे। सारी कंपनियाँ सीएसआर के तहत अपने विस्थापितों को अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ लाभ या कुछ कार्य सामाजिक करवाती है। ये कंपनी आज तक हम लोग ये नहीं जानते हैं कि 10 साल कंपनी हो गई सीएसआर के तहत हमारे विस्थापितों को कुछ मिला हो। कोई भाई बता दो क्या मिला हम लोगों को कंपनी? अभी तक कुछ नहीं मिला। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को दे, नहीं तो यही पावर ग्रिड चौराहे पे उग्र आंदोलन और चक्का जाम, काम बंद, हड़ताल करने का काम करेंगे। विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यादव एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पावर ग्रिड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पावर ग्रिड।
मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 पावर ग्रेड प्रबंधक मुर्दाबाद 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 पावर ग्रेड होश में आओ होश में आओ होश में आओ हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते भारत माता की जय भारत माता की जय। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहे पोल पोल पोस्ट के साथ। अगर आप फेसबुक पे समाचार देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, समाचार को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर न्यूज को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।